Namaste, dear students and friends, and welcome to the Explainer series by me, Sandeep Manudhane. Today, we have a fantastic topic lined up for you, which I am very sure you would love hearing about. And the topic for today, जो आज का हमारा विषय है, बड़ा mysterious विषय है, एक बहुत ही दुखद घटना हुई, लेकिन उसने हमें एक मौका दिया है एक बहुत बड़े विषय को समझने का. जी हाँ, आज हम बात करेंगे मिस्ट्री ऑफ द सेंटिनलीज ट्राइब. साथियों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले सेंटिनल आदिवासी लोगों की पूरी कहानी को समझने का आज हमें मौका मिला है, और इसे बहुत गहराई से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सबसे पुराने लोग, दीज आर द मोस्ट एंशंट ऑफ ट्राइब्स, एंड प्रैक्टिकली दीज आर अवर मोस्ट एंशंट एंसेस्टर्स एज वेल. वो सब हम समझेंगे, क्योंकि अभी जो दुर्घटना हुई उसने हमें यह मौका दिया है. तो आपको कुछ क्विक रिमाइंडर्स दे दूं और फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं. साथियों, वी हैव अ फैंटास्टिक प्रोग्राम यूपीएससी 2019 लाइव, विच यू कैन गेट एनरोल्ड इन एज पर द डिटेल्स गिवन. मेक श्योर, इन केस यू नो समवन हु इज इन नीड फॉर अ फैंटास्टिक कोर्स, रेकमेंड दिस. थैंक यू सो मच. Prabodhan Master Course is a great analysis course of the various editorials that appear in the Hindu newspaper. For 2018-19, you can enroll straight away. And for 2019-20, we will be commencing enrollment in a few days. It's a fantastic course for anyone preparing for civil services and any professional who wishes to be absolutely at the top of the intellectual game. Mystery of the Sentinelese Tribe. So, hua ye doston? कि नवंबर 2018 में एक बड़ा हादसा हुआ. एक अमरीकी व्यक्ति को, जो रिमोट अंडमान ट्राइब है जिसे सेंटिनलीज कहते हैं क्योंकि वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहती है, ने मार डाला. और जब उसके फिशरमैन अगले दिन उसे देखने गए, जो साथी फिशरमैन थे, तो उसके शरीर को ये सेंटिनलीज लोग सी बीच पर गाड़ते हुए दिखाई दिए. सो मोस्ट लाइकली द मैन इज डेड. अभी वहां कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, ये तो हम अभी सब इन्वेस्टिगेट करेंगे ही, बट आज हम इसके अलावा बहुत कुछ सीखेंगे, एंड दैट इज वेयर द रियल लर्निंग वुड लाई. सो वंस अगेन वी टेक अ लुक एट व्हाट रियली हैपेंड हियर. सो दिस अमेरिकन जॉन चाउ गॉट किल्ड एट द हैंड ऑफ द रिमोट अंडमान ट्राइब कॉल्ड द सेंटिनलीज. और हम बड़ी पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे. तो कैसे समझेंगे साथियों, इसको हम 6 भाग में समझेंगे. Who are these tribal people? ये आए कहां से हैं और ये वहां तक पहुंच कैसे गए? और उससे भी बड़ी बात, 60,000 सालों से कोई एक समूह किसी एक द्वीप पर रह सकता है या वो आगे बढ़ता चला जाएगा? With the Sentinelese, it seems that they have been there for more than 60,000 years, at least 50,000 years, and if you reduce it, nothing less than 30,000 years. You and me, the modern man, our entire history ends in just 10,000 years. साथियों, आपकी और हमारी पूरी की पूरी इतिहास की जो स्टडी होती है 8,000-10,000 सालों में खत्म होती है, और मॉडर्न इतिहास तो 2,000-3,000 सालों में खत्म हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 5,000 साल. इंडस वैली सिविलाइजेशन 3,000 BC पीक पर थी, 5,000 साल. ये लोग वहां 50,000 सालों से है. तो कुछ बड़ा मिस्टीरियस डेफिनेटली है. तो ये 6 क्वेश्चन आज हम एक एक करके इन्वेस्टिगेट करना शुरू करेंगे. Who are these tribal people? Where did they come from and when? What is the instant incident? Why are they unwilling to contact the outsiders? Any contact earlier? क्या आज तक इनसे कोई भी contact हुआ ही नहीं, या हुआ और उसके बाद ये लोग इतने नाराज हैं? What are the Indian government policies for such tribes and should modern civilization try to mainstream them? तो ये जो छठा बिंदु है ये एकदम philosophical हो जाएगा. इस छठे बिंदु में हम आपको एकदम philosophical नजरिए से बताएंगे कि human beings का पूरा अस्तित्व एक इतनी रिलेटिव स्टोरी है कि हम मॉडर्न ह्यूमंस खुद को जो भी समझें, द सेंटिनलीज में एंड अप हैविंग द लास्ट लाफ, प्रोवाइडेड दे डेफिनेटली आर नॉट किल्ड बाय अस बिफोर दैट. तो आइए शुरू करते हैं साथियों, सबसे पहले बिंदु पर चलते हैं. तो ये 6 पॉइंट्स हैं. सो हु आर दीज ट्राइबल पीपल, आखिर ये लोग हैं कौन? दे लिव ऑन द नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड. तो ये उत्तरी सेंटिनल द्वीप भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है. इसका अगर विस्तृत मैप देखेंगे साथियों, तो साउथ अंडमान, पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है, और नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, ये नाम है इस द्वीप का. पूरी तरह से रिमोट और कटा हुआ द्वीप जिस पर रहने वाले ये ट्राइबल लोग, जिन्हें हमने नाम दिया, उन्होंने खुद ने तो नाम दिया ही नहीं है,
उनकी तो भाषा किसी को आती ही नहीं है, सो इट्स अ कंप्लीटली आइसोलेटेड लैंग्वेज, देर आर नो ट्रांसलेटर्स एट ऑल, सो वी जस्ट डोंट नो व्हाट दे से एंड दे कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वी से, इजंट दिस मिस्टीरियस? एंड वो वहां रहते हैं इसलिए हमने उनको सेंटिनलीज नाम दे दिया, उन्हें उस नाम की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ये कितने लोग हैं, कोई कहता है 10, कोई कहता है 50, कोई कहता है 100, कोई कहता है 200। भारत का जो सेंसस होता है उसमें इनको दूर से काउंट किया जाता है बहुत सारे कारणों से। सबसे बड़ा कारण तो ये कि हम उन्हें मारना नहीं चाहते। क्या लगता है आपको, इफ़ वी गेट इन टच विद देम, व्हाट इज द लाइकली रीजन दैट दे वुड एक्चुअली डाई वेरी वेरी सून? अगर हम बिना हथियारों के भी उनसे मिलते हैं तो इस बात की संभावना कि वो बहुत जल्दी मारे जाएंगे काफ़ी बढ़ जाती है। क्या लगता है आपको क्यों? फिर से चित्र देखिए। तो ये एक विस्तृत चित्र नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का है और यहीं पर जॉन एलन चाउ को इन सेंटिनलीज लोगों ने शायद मार दिया। अब शायद तो क्या, निश्चित तौर पर ही मार दिया होगा। और ये प्री नियोलिथिक ट्राइब है, यानी प्रैक्टिकली ये स्टोन एज के लोग हैं साथियों, और इनके आगे से पूरा इतिहास निकल गया और ये वहीं के वहीं डटे हुए हैं आज तक, जो अपने आप में बहुत बड़ा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। तो बे ऑफ बंगाल में स्थित ये यहां तक आखिर पहुंचे कैसे होंगे, वो भी देखेंगे थोड़ी देर के बाद। दिस इज वेरी सिमिलर टू व्हाट दीज नॉर्थ सेंटिनलीज पीपल वुड बी। इनकी आबादी शायद 100 से ज्यादा होगी और इस बात के तो खैर काफी हद तक पक्के सबूत हैं कि ये हट्स में रहते हैं और स्टोन एज फैशन में रहते हैं। तो स्टोन एज लाइफ का मतलब ये होता है दोस्तों, व्हाट डू वी रियली मीन बाय अ स्टोन एज लाइफ, दे मे नॉट बी इवन यूजिंग फायर। इमेजिन a tribe in today's world that lives without using fire, bina aag ke jeene wala koi kabila, jahan hum modern humans hamari puri civilization ki shuruaat fire se mante hain. So these are the very first remnants of the humans that moved out of Africa around 80,000 years ago. तो ये मिस्ट्री गहराती चली जाती है और आप जितना पीछे जाके सोचते हैं तो आपको खुद के बारे में, सोसाइटी के बारे में, अपने जेनेटिक मेकअप के बारे में, अपने एंसेस्टर्स के बारे में ऐसे ऐसे विचार समझ में आने लगते हैं जो बहुत डिसरप्टिव होते हैं और जो आजकल सोसाइटी में जिसके बारे में कोई सोचता ही नहीं। तो ऐसे इंसिडेंट्स हमें ये मौका देते हैं, खोना नहीं चाहिए। सो दीज मे बी 100 और मोर एंड दे लिव इन हट्स जिसमें जुवेनाइल्स भी होते हैं और ये आधुनिक मानव से इतनी नफरत करते हैं कि 2004 की सुनामी के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने जब जाके तस्वीरें लेने की कोशिश की कि सेंटिनलीज लोग बचे या नहीं, तो ये तीर कमान लेके हेलीकॉप्टर्स के पीछे भागे। हालांकि नेचुरली दी एरोज कुड नॉट टच और रीच द इंडियन कोस्ट गार्ड चॉपर्स, बट द पॉइंट इज इफ यू हैव अ सेंटिनलीज मैन रनिंग लाइक दिस आफ्टर द चॉपर टू शूट डाउन द चॉपर, इट एक्चुअली टेल्स अस अ लॉट अबाउट देयर परसेप्शन ऑफ द मॉडर्न मैन अनलाइक द जरावा ट्राइब्स। अब अंडमान में जितनी भी अलग अलग इस तरह की प्रागैतिहासिक आदि मानव जातियां हैं उनमें जरावास भी हैं। जरावा तो पूरी तरह फ्रेंडली हो गए और यही उनकी भूल रही। आज उनकी हालत भिखारियों जैसी हो गई है और उन्हें, जिन लोगों ने ओरिजिनली उनके साथ फ्रेंडशिप की, उन्हें बहुत दुख होता है देख के कि हमने किया तो क्यों किया। एंथ्रोपोलॉजिस्ट पंडित की हम बात थोड़ी देर के बाद करेंगे। सो द जरावाज आर फ्रीली इंटरमिंगलिंग, ऑल्दो देयर आर प्रिकॉशनरी मेजर्स, बट they are seen asking, begging for arms, which is a terrible, terrible letdown for such a grand story. Anyway, Sentinelese ne ye kabhi nahi hone diya, par aap unhe zara usko dekh liya hoga. Okay, ab aapko ek chitra dikhata hu, ye dimag ghumane wala chitra hai. Dimag nahi to kam se kam chitra to aapko apni aankhein to ghumane par majboor kar hi dega. Saathiyon, ye world ka map hai, aap upar se dekhenge, Africa aapko dikhai dega, which is the birthplace of modern man. The arrows show the outward movement of ancient human beings of multiple varieties. Color coded में आप देखेंगे कि भारत की coastal migration जो हुई है basically 70 से 60,000 साल पहले पूरे के पूरे जो अफ्रीका से हमारे पूर्वज निकले वो ऐसे निकल कर आए और यहीं से एक बहुत बड़ा ग्रुप निकलकर अंडमान निकोबार में फैल गया होगा। तो वहां तक कैसे पहुंचे होंगे? वेल, लकड़ी के तख्तों पर पहुंच गए होंगे, एक्सीडेंटली पहुंच गए होंगे, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट एनीवे, और ऐसा करते करते अंत में वो पहुंचे ऑस्ट्रेलिया और सबसे अंत में पहुंचे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। So this is the story of modern man and the coastal migration route. इसी की जो पूरी hypothesis है उसे out of Africa theory कहा जाता है
और ये सेंटिनलीज लोग ऐसे ही निकल कर आए हैं, और ये आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी मानी जाती है आज, और अब तो जेनेटिक स्टडीज से सारी चीज़ें लिंकअप हो गई हैं, सब कनेक्शन समझ में आ गए हैं, यहाँ तक कि आधुनिक मानव के अंदर 10% जेनेटिक मेकअप इज फ्रॉम नॉन होमोसेपियन टाइप्स ऑल्सो, इज इन दैट एब्सोल्यूटली स्टनिंग। तो हम जो हैं, हम रिजल्ट हैं दसों हजारों सालों के इंटरमिक्सिंग का, ये जेनेटिक साइंस बोलता है। हालांकि कई लोग उसको सिरे से खारिज भी कर देते हैं, अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। तो ये चित्र आपने देखा साथियों, सो दिस इज अबाउट वेयर द सेंटिनलीज रियली केम फ्रॉम। एंड इफ यू लुक एट द पॉपुलेशन मेकअप ऑफ द एंडमनीज इंडिजिनस पीपल, इंडिजिनस यानी जो बिल्कुल वहां के स्वदेशी लोग, जो ओरिजिनल लोग हैं, मतलब ओरिजिनल के ओरिजिनल लोग, ये वहां की पूरी ट्राइब्स के नाम हैं। तो आपको एक ग्रेट एंडमनीज मिलता है वहां पे, उसमें 10 ग्रुप हैं, जरावा जो कि फ्रेंडली हो गए हैं, और उसके बाद सेंटिनलीज मिलेंगे, जांगिल मिलेंगे, ओंगे मिलेंगे, इन सबकी अलग अलग भाषा है, और सेंटिनलीज भाषा भैया किसी से भी मेल नहीं खाती। तो ये हमारा पहला सवाल था साथियों कि एग्जैक्टली ये लोग हैं कौन, समझ में आया? अब थोड़ा गहरा गोता लगाएं, बोर तो नहीं हो रहे हो आप, थोड़ी गहराई में जाने को तैयार हो, क्योंकि हम आपको पूरा 360 डिग्री में एक्सप्लेनर सीरीज में किसी विषय को समझाते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ इट, एंड वी नाउ एड्रेस द क्वेश्चन, वेयर डिड दे कम फ्रॉम एंड व्हेन। साथियों, 60,000 साल पहले होमो सेपियंस का एक समूह अफ्रीका से निकलकर इस द्वीप पर आके बसता है। 60,000 साल का मतलब है हमारी और आपकी पूरे इतिहास का 6 गुना। इन 100 ईयर्स टिपिकली 3 to 4 जनरेशंस ऑफ अ ह्यूमन फैमिली गो बाय। तो मैं कंजर्वेटिव होकर सिर्फ 3 जनरेशन लेता हूं प्रति 100 वर्ष। सो इन 60,000 ईयर्स, इन 100 ईयर्स यू हैव हैड 3 to 4 जनरेशंस। सो नाउ यू कैन मल्टीप्लाई and try to see how many generations have passed by. समझ में आया आपको? तो वो नंबर तो बहुत ही बड़ा नंबर निकल कर आता है। आइए साथियों, दूसरा बिंदु देखते हैं। Now if you look at the second point, these have rejected earlier also outside contact totally, जबकि कुछ दूसरी एंडमनी ट्राइब्स ने आउटसाइड कॉन्टैक्ट धीरे 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 स्वीकार कर लिया। समझ में आया आपको? तो ऐसा नहीं है कि बाकी सभी लोगों ने भी मना किया, कुछ लोगों ने स्वीकार किया है। तीसरा, ऑफिशियली उनका नंबर बहुत कम बताते हैं, लेकिन सेंसस काफी दूर से कंडक्ट हुआ था, तो मे बी उनका नंबर 100, 150, 200 भी हो सकता है। भारत सरकार ने बहुत कोशिश की दोस्ती करने की, लेकिन मुझे लगता है कि ये सेंटिनली लोग समझ गए कि यार ये सरकार के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो ये टैक्सेशन वगैरह के नाटक शुरू हो जाएंगे, तो भैया तुम दूर ही रहो। तो उन्होंने तीर मार मार के बता दिया कि भैया तुम दूर चले जाओ, मेनलैंड के लोग ऐसा कर नहीं सकते। सो सेंटिनलीज को सरकार ने भी बोला कि लेट देम रिमेन। आपके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आई होगी, उम्मीद करता हूं। सो एज वी सी, ऑफिशियली द नंबर इज लो, बट अनऑफिशियली द नंबर में एक्चुअली बी हाई। सरकार ने पूरी तरह से इनको किसी भी तरह अपनी जद में लाने का प्रयास छोड़ दिया है सारे मिशन, क्योंकि वो फेल हुए। तो ये स्टोन एज पीपल हैं, सक्सेसफुली लिविंग इन अ पोस्ट मॉडर्न एज, विच इज क्वाइट अ रिमार्केबल थिंग। इनकी जीवन शैली हंटर गैदरर की है, यानी शिकारी संग्रहकों की। ये हंट करते हैं, गैदर करते हैं। वो आइलैंड इतना छोटा है कि उस पर कोई मेगा फौना तो है नहीं, कोई बड़े जानवर तो है नहीं, तो ये सी फूड के लिए हंटिंग करते हैं। थोड़ी बहुत टेरेस्ट्रियल जो वाइल्ड लाइफ होती है उसके लिए हंट करते हैं। समझ में आया आपको? और इस प्रकार से पूरा काम चलता है। सो दिस इज हाउ द होल थिंग हैपन्स। अब साथियों, इट हैज बीन नोटेड दैट दे प्रिपेयर द फूड इन अ वे सिमिलर टू द ओंगे पीपल, लेकिन मेटल वर्किंग, एग्रीकल्चर और फायर, इसके कहीं कोई निशान अभी तक नहीं मिले हैं। एक बार इनकी मुलाकात एक ऐसे जहाज से हो गई थी, प्रिमरोज नाम का जहाज, आगे चित्र दिखाऊंगा, जो इनके द्वीप के पास आके टकरा गया कोरल्स में और बंद हो गया। तो ये सब अपनी कश्तियों में बैठ के उन्हें मारने के लिए चल पड़े। फॉर्चुनेटली उन लोगों ने एयर रेस्क्यू बुलवा लिया और उन सबको एयरलिफ्ट करके निकाल लिया गया, ऑल द सीमेन एंड द क्रू ऑन दैट शिप, वो चित्र दिखाऊंगा। तो ये सारे के सारे लोग, द सी वॉज वेरी वाइल्ड, इनको थोड़ा समय लगा, सो द सीमेन कुड बी रेस्क्यू, ये सबको मार डालते अदरवाइज, अनलेस दे वुड हैव शॉट देम। नाउ ये पूरे के पूरे शिप पे चढ़े सारे के सारे सेंटिनलीज,
और वहाँ जो मेटल की चीज़ें थी उनको लेके चले गए, जिसका वो आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिस इज देयर इंटरेक्शन विद दी मेटल, द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट, सबूत यही है। अब 60,000 सालों में तो और कुछ घटनाएं भी हुई होंगी, तो उसके तो कोई सबूत कोई ला नहीं सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, बड़ा सवाल ये है, आर दे कैनिमल्स, तो क्या ये स्वभक्षी हैं, क्या अपने ही लोगों को मार के खाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा मारे गए लोगों के शव मिले हैं, तो इससे सबूत ये मिलता है कि दे मे एक्चुअली नॉट बी कैनिबल। समझ में आया आपको? अदरवाइज तो अभी जिस चाऊ को भी इन्होंने मारा उसके शरीर को ये गाड़ते हैं, क्यों? उसके शरीर को तो ये खा जाते हैं, सो दे मे नॉट बी कैनिबल्स। एक लेयर और गहराई में घुसते हैं दोस्तों, और अब हम देखते हैं कि इनकी ओरिजिनल जाति को कहते क्या है। इन लोगों को कहा जाता है नेग्रीटो। समझ में आया आपको? तो जो सबसे ओरिजिनल ह्यूमन बींग्स रहे, अगर आप बोलेंगे कि आज दुनिया में जितने भी ह्यूमन बींग्स अलाइव हैं, ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स अलाइव टुडे ब्रॉडली स्पीकिंग व्हाट आर द वेरियस रेसेस इन विच वी डिवाइड देम, यू विल हैव नेग्रीटोज, यू विल हैव मंगोलॉइड, यू विल हैव कोकोसॉइड, यू विल हैव द ऑस्ट्रेलॉइड्स, ये अलग अलग चार पांच बड़ी नस्लों में, और बाकी सब मिक्सचर होता है, एकदम प्योर नस्ल तो ऐसी होती नहीं है, क्योंकि हजारों सालों में पीपल हैव इंटरमिंगल्ड, इंटरब्रेड, मिसिजिनेशन यानी इंटर मैरिजेस, और मे बी नॉट इवन मैरिजेस, जस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज हैपेंड ओवर जनरेशंस एंड जनरेशंस एंड जनरेशंस एंड जनरेशंस। मैरिज एज अ कॉन्सेप्ट इट इवॉल्व बेयरली 3 to 4,000 ईयर्स अगो एज मैन सेटल डाउन आफ्टर एग्रीकल्चर, ट्रूली स्पीकिंग। उसके पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और इतिहास तो इसके पहले 50,000 साल तक जा रहा है। तो ये नेग्रीटो ट्राइब के लोग कहलाते हैं, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक डार्क स्किन, शॉर्टर स्टैचर होता है। और ऐसा क्यों होता है? इसको आइलैंड इफेक्ट कहते हैं साथियों, क्योंकि न्यूट्रिशन की बहुत से इश्यूज होते हैं और जेनेटिक भी। अब इसमें आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आज से 100 साल पहले द एवरेज हाइट ऑफ द चाइनीज एंड द जैपनीज पीपल वॉज कंसिडर्ड लो, और वो थी ही कंसिडर्ड क्या है, जो औसत ऊंचाई थी चीनियों की, जापानियों की, वो काफी कम होती थी। बट इफ यू लुक एट द प्रेजेंट जनरेशन, बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन अवेलेबल नाउ, वो सारे इफेक्ट्स खत्म हो चुके हैं। नाउ सम ऑफ देम आर एक्सट्रीमली टॉल। तो 100 सालों के भीतर द राइट काइंड ऑफ वेल्थ, एफ्लुएंस, प्रोस्पेरिटी, न्यूट्रिशन कैन एक्चुअली मेक अ वेरी बिग चेंज। तो ये अगर आज छोटे हैं, मतलब बहुत लंबे समय से ये आइसोलेटेड रहे, ये एक और इनडायरेक्ट एविडेंस हो सकता है। दिस इज द यू कैन ट्राई एंड लॉजिकली रीजन इट। फिर देखते हैं, सो दे डू नॉट वेयर एनी क्लोथिंग, ये किसी भी तरह का वस्त्र धारण नहीं करते हैं। लैंग्वेज आइसोलेट है, किसी को नहीं पता कि इनकी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। समझ में आया आपको साथियों? इट इज अ लैंग्वेज आइसोलेट और कोई बायलिंगुअल ट्रांसलेटर्स। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली बात हो गई कि उसकी स्क्रिप्ट, हालांकि इंडस वैली तो इनके 50,000 साल बाद आई। दी ओंगे लैंग्वेज ऑफ दी ओंगे पीपल इज डिफरेंट, और ये जरावा जैसी भी इनकी भाषा नहीं है। तो साथियों, जो निकोबार में ट्राइब्स मिलती हैं वो मंगोलॉइड ट्राइब्स, और अंडमान की जो ट्राइब्स हैं नेग्रीटो हैं। अब आप देखिए, अंडमान निकोबार आइलैंड एक ही द्वीप समूह होने के बावजूद यू हैव द निकोबार बीइंग मंगोलॉइड्स एंड द अंडमानीज इंक्लूडिंग सेंटिनलीज बीइंग नेग्रीटो। तो मतलब क्या क्या कमाल 50-60 हजार साल पहले हुआ है, और कैसे एरियाज अलग अलग इनके डिवाइड हुए हैं, द माइंड बॉगल्स टू थिंक अबाउट इट। और हम स्वयं को कुछ 100 सालों के इतिहास या 1-2 हजार साल के इतिहास में कैद कर लेते हैं, असली कहानी तो यहां चल रही भैया। देन दीज सेंटिनलीज आर अ प्री न्यूलिथिक पीपल। तो ये न्यूलिथिक एज क्या होती है भैया, और आज का जो सेशन आप देख रहे हैं इस पे आपके जो भी व्यूज हैं वो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड हु हैव इनहेबिटेड दिस सिंगल आइलैंड फॉर मिनिमम 55, देखिए प्लस माइनस 10,000 ईयर्स, ये रेफरेंस अलग अलग जगह अलग अलग मिलते हैं। तो ये लिविंग एंसेस्टर्स हैं मॉडर्न मैन के, अफ्रीका से जो पहले पहले समूह बाहर निकले उनमें से एक। सो दे डिजर्व ऑल आवर रिस्पेक्ट, देयर इज नो डाउट। तो नेग्रीटो लोगों पे कुछ और इनपुट आपको तुरंत दे देता हूं, ताकि जो लोग सीरियस स्टडीज इसकी कर रहे हैं अलग अलग परीक्षाओं में भी काम आएगी। फिर अर्ली ह्यूमन माइग्रेशन भी दिखा देता हूं। ये एथनिक ग्रुप्स हैं जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं, और करंट पॉपुलेशन आप देख सकते हैं ये सब कोस्टल माइग्रेशन का है। एक्सपर्ट से दैट ऑस्ट्रेलाइड नेग्रीटोज, यानी ये इनके बीच में भी इंटरमिक्सिंग, सिमिलर टू अंडमानीज आदिवासीज, वर द फर्स्ट आइडेंटिफाइंग ह्यूमन पॉपुलेशन टू कॉलोनाइज इंडिया। तो भारत में आके बसने वाले सबसे पहले लोग कौन थे? ऑस्ट्रेलॉइड नेग्रीटो। समझ में आया आपको साथियों? तो भीमबेटका का केव में भी शायद यही लोग जाके बसे होंगे, हथनोरा वैली में भी शायद यही लोग, सुना है ये सारे नाम आपने, इनके बारे में क्या जानते हैं? और ये सबसे प्राचीन लोग जो भारत में सबसे पहले आके बसे,
रिमार्केबल इजंट इट. इनके बारे में और देखते हैं. दे मे हैव बीन द वेरी फर्स्ट वन 30,000 से 65,000 साल के पहले आज से पहले years ago के सेंस में बोलते हैं, प्रेजेंट बिफोर या बिफोर प्रेजेंट भी बोलते हैं, जो इंडियन मेनलैंड को जिन्होंने पूरा का पूरा इनहैबिट किया. साथियों 2018 में बहुत बड़ी खबर छपी अखबारों में, कोंकण क्षेत्र में बहुत सारे पेट्रोग्लिफ्स मिले. पता है ना आपको, 1,000 से ज्यादा बड़ी बड़ी चट्टानों में बने चित्र मिले हैं. तो ये सारा काम ऐसे ही लोगों का रहा, एंड दे आर सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड. मे बी इनके बाद के अगली वेव में आए होंगे, बट हंटर गैदरर्स के द्वारा इतने बड़े बड़े पत्थरों पर कोंकण क्षेत्र में पेट्रोग्लिफ्स तैयार करना अपने आप में एक इशारा देता है दैट द सेंस ऑफ एस्थेटिक्स एंड द सेंस ऑफ ट्राइंग टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स, कॉस्मॉस, प्लैनेट, एनवायरमेंट वुड हैव एग्जिस्टेड फॉर टाइम्स इमेमोरियल. और सेंस ऑफ एस्थेटिक्स और आर्ट एंड ड्रॉइंग, ये शायद ह्यूमन ब्रेन का एक बहुत ही प्रिमिटिव इंडिकेटर रहा है, नहीं तो इतनी खूबसूरत भित्ति चित्र और केव पेंटिंग्स बनती कैसे हैं. आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया. तो ये सारे लोग वर अ पार्ट ऑफ अ ग्रेट कोस्टल माइग्रेशन, तो ये अर्ली ह्यूमन माइग्रेशन का हिस्सा हैं. तो ये क्या है, सबसे पहले माइग्रेशन 20,00,000 साल पहले जो शुरू हुए होमो इरेक्टस के, और ये होमो सेपियन स्पीशीज नहीं है, लेकिन वो एक एक करके अफ्रीका से निकलकर बाहर निकलते गए. रीसेंट अफ्रीकन ओरिजिन थ्योरी ये बोलती है कि एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस, इसका मतलब ह्यूमंस की बहुत सारी प्रजातियां हुई हैं लेकिन आप और हम एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमन. अभी अपने आप में पूरा साइंस है इसलिए मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, वो अपने आप में 10 घंटे ले लेगा अगर हम डिस्कस करने बैठ गए. सो फिर से उस पॉइंट को देखते हैं, एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस मे हैव डिसेंडेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ होमो सेपियंस माइग्रेटिंग फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका अराउंड 270,000 ईयर्स अगो एंड द लास्ट वन बीइंग 80,000 ईयर अगो. मजे की बात, जो एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस हैं, जेनेटिक साइंटिस्ट को सबूत मिलते हैं कि वो लोकल आर्केक ह्यूमंस के साथ इनब्रीडिंग काफी किए हैं. तो उससे ये बात 10% की निकली जो मैंने आपको बताई. तो क्या हम ग्लोबल मैप में देख सकते हैं वो वेव्स ऑफ माइग्रेशन, तो वो कोस्टल माइग्रेशन तो यहां बिल्कुल साफ दिखाई दे ही रहा है. समझ में आया आपको, तो सेंटिनलीज का धन्यवाद कि आज हमें ये पढ़ने का मौका दे दिया. और फिर से वो चार्ट आपको दिखा दूं जिससे आपको अंडमान का पूरा वेव कब आया समझ में आ सकता है. तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट इज द इंस्टेंट इंसिडेंट. सो दिस इज अ वेरी वेरी सैड इंसिडेंट. द डेथ ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग इज ऑलवेज एन एक्सट्रीमली सैड इवेंट. तो जॉन एलन चाउ जो थे वो प्यारे साथियों अपने आप में एक इवेंजेलिस्ट थे और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे. ये इनका जो पूरा इंस्टाग्राम का एक बहुत ही रोबस फीड ये चलाते थे कई सालों से. ही वॉज अ ग्लोबल ट्रैवलर और वो सब तरफ जाते थे, बड़ा इंटरपिड आदमी था. और उस आदमी की एक इच्छा ये थी कि मैं किसी भी तरह ये सेंटिनलीज लोगों तक ईसा मसीह का संदेश, भगवान का संदेश, बाइबल का संदेश लेके पहुंच जाऊं. अब सरकार तो उसे वहां तक जाने देगी नहीं, वो तो नो गो जोन है पूरा का पूरा. लेकिन और हालांकि अभी उन्होंने सरकार ने कुछ रिक्वायरमेंट भी रिलैक्स की थी टूर ऑपरेटर्स के दबाव में, जिसका काफी विरोध भी हुआ. एंड विद दिस इंसिडेंट नाउ द होल थिंग इज इन अ डॉक. उस पर आएंगे अभी एंड में कि सरकार की क्या नीति रही, वो भी टेक्निकल इनपुट भी दे दूंगा. सो दिस जेंटलमैन वॉन्टेड टू गो देयर विद द मैसेज ऑफ द बाइबल एंड गॉड बिकॉज दीज आर द लास्ट पीपल हु हैवंट हर्ड ऑफ गॉड. But these people did not want to hear of God, and the result was the death of this man. इस व्यक्ति ने पहले इंसिडेंट से सबक नहीं लिया जब ये गया और उसकी वाटरप्रूफ बाइबल पर वहां के एक बच्चे ने तीर चला दिया. ये फिर से लौट के इलीगली वहां गया और फिर वही हुआ जो सेंटिनलीज के साथ होता है. Extremely sad, as I said, the death of every human. No one can actually relish it. It is a sad incident. तो अब आप देख रहे हैं चित्र में, नवंबर में ये वहां पर पहुंचा. 27 वर्षों का अमेरिकन क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट था. इवेंजलिस्ट यानी धर्म प्रचारक. इसे उत्तरी सेंटिनल आइलैंड के रहवासियों ने मार दिया. इसकी डायरी में लिखा हुआ अंतिम पृष्ठ और वो चित्र आपके सामने है, और उसमें वो ये लिख रहा है कि हो सकता है मैं मारा जाऊं. सो ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व. तो इसका मतलब जिन साथियों ने उसे वहां पहुंचाया ये सारे भारतीय थे. सो ही हैड अ लोकल फ्रेंड
एंड फाइव फिशरमैन और ये सब इलीगली रात को इंडियन कोस्ट गार्ड से बचते हुए वहां पहुंच गए। अब ये इंडियन कोस्ट गार्ड से बचते हुए वहां पहुंच कैसे गए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है यहाँ पे। एंड दे रीच देयर एंड वंस द नेक्स्ट मॉर्निंग दे वेंट टू रिट्रीव हिम, दे एक्चुअली सॉ हिज बॉडी बीइंग बैरिड देयर। तो ये बहुत ही खतरनाक जो घटना है और इसको इंटरनेशनल मीडिया ने किस प्रकार से दिखाया है वो भी आप देख रहे हैं। सो दिस इज हाउ द इंटरनेशनल मीडिया प्रोजेक्टेड इट। सो दिस इज अ हॉरिबल हॉरिबल इंसिडेंट विच रिमाइंड्स अस ऑफ सो मेनी थिंग्स एंड विच एक्सप्लेन सो मेनी थिंग्स टू अस। साथियों, अभी तक हमने देखा कि इस प्रकार इनसे संपर्क करने की कोशिशें नाकामयाब हो गई हैं। अभी हम कुछ और कोशिशों के बारे में भी देखेंगे और एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट पंडित जी के बारे में समझेंगे जिन्होंने जरावास की मेन स्ट्रीमिंग करवाई और आज वो उस चीज से बहुत दुखी हैं। तो हमारा चौथा प्रश्न आज का आ गया है, होप यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड विद दिस इन डेप्थ एनालिसिस, व्हाई आर दे अनविलिंग टू कॉन्टैक्ट आउटसाइडर्स, ये बाहरी लोगों से आखिर मित्रता करना चाहते क्यों नहीं है, इन्हें तकलीफ क्या है। देखिए, ऐसा है, इनके साथ संपर्क करने के जो पिछले 200 साल के प्रयास हैं वो तो डॉक्यूमेंटेड हैं। जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया था, द ब्रिटिश कॉलोनियल ऑक्यूपेशन अंडमान तक पहुंचा, अनफॉर्चुनेटली अंडमनी ट्राइब्स का सफाया हो गया। समझ में आया आपको? तो जो पूरा अंडमान निकोबार की चेन है, ये नॉर्थ सेंटिनल तो कट के अलग पड़ा हुआ इसलिए बच गए, बाकी का जो पूरा मेन है उसमें से 10 में से 9 लोग मारे गए, क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो पूरा क्रूएल अप्रोच रहा ही है, प्लस सारी बीमारियां फैल गई। ये वही कहानी है जो साउथ अमेरिका में हुई, ये वही कहानी है जो ऑस्ट्रेलिया में हुई, जब यूरोपियंस पहुंचे और बीमारियों का पूरा आदान प्रदान हो गया तो सारे के सारे लोकल ट्राइब खत्म, क्योंकि दे हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज मॉडर्न मैन डिजीजेस। नाउ द सेंटिनलीज फियर ऑफ आउटसाइडर्स इज वेरी अंडरस्टैंडेबल इन दिस कॉन्टेक्स्ट। जरावा और सेंटिनलीज, ये दोनों के दोनों हंटर गैदरर्स हैं और ये डिजीज इमीडिएटली पकड़ लेते हैं। सेंटिनलीज अ पर्टिकुलरली वल्नरेबल क्योंकि ये जरावा से भी ज्यादा 50,000 सालों से, उससे ज्यादा ये आइसोलेटेड रहे हैं। समझ में आया आपको? कॉमन बीमारियों का भी, फ्लू मीजल्स का भी इनके पास कोई इलाज नहीं होगा। मॉरिस विडेल पोर्टमैन, ये वो पहला अंग्रेज था जिसने अंडमान निकोबार का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लेकर वहां की ट्राइब्स का डॉक्यूमेंटेशन करना शुरू किया। साथियों, दिस पर्सन कॉल्ड पोर्टमैन हु वाज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अंडमान एंड निकोबार चेन, ही द ब्रिटिशर, ही वाज फैसिनेटेड बाय दीज ट्राइब्स। कई लोग कहते हैं ही वाज सेक्सुअली फैसिनेटेड बाय दीज ट्राइब्स। अब वो अपने अपने कयास हैं हिस्टोरियंस के, एंड ही स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग देम, बट देर वॉज ओनली वंस वेन ही कुड एक्चुअली कैच होल्ड ऑफ अ फ्यू सेंटिनलीज, बिकॉज वो हमेशा जंगल में भाग जाते थे। जो कुछ लोगों को वो पकड़ के लेके गया था उनमें से जो उम्र दराज लोग थे वो सारे मारे गए और बच्चों को उसने वापस छोड़ दिया। हो सकता बीमारियां उनके साथ जा चुकी हों आज से 100 साल पहले। तो पॉइंट देखते हैं, कुछ चित्र भी दिखाऊंगा। तो पोर्टमैन ने ये काम किया एंड व्हेन ही रीच द सेंटिनल आइलैंड, सारे भाग खड़े हुए, लेकिन उसने एक आदमी औरत और कुछ बच्चों को पकड़ के लाया, आदमी औरत मारे गए, बच्चों को गिफ्ट देके छोड़ा। बट वेदर दे वुड इवन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट, बिकॉज गिफ्ट फॉर देम मे एक्चुअली मीन नथिंग, इज दैट क्लियर? तो ये पहला था। आपको इससे जुड़े मैं 2-3 चित्र दिखाकर फिर आपको टीएन पंडित जी पे लाऊंगा। तो पहले टीएन पंडित जी का भी पॉइंट पढ़ी लेते हैं। ही वॉज एन इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्होंने 1967 से 1991 तक लगातार अंडमान निकोबार के ट्राइबल्स के साथ फ्रेंडली रिश्ते बनाने का प्रयास किया। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स पे ही ट्राइड फ्रॉम 67 टू 91 एंड गेव अप कि दीज पीपल कैन नेवर बी बिफ्रेंडेड एंड वी शुड लीव देम अलोन। And this also became the basis of the later day government of India's effort to not try to befriend them and have a hands-off approach, जो आज की नीति है, ठीक है? अब T.N. पंडित जी का भी पढ़ लीजिए, इनका चित्र भी दिखाएंगे। Anthropologist who studies mankind, इन्होंने gifts वगैरह वहां छोड़ी कि भाई धीरे धीरे gift देख के तो दोस्ताना हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सारा का सारा प्रयास फेल हो गया। और जरावास से उन्होंने दोस्ती की, लेकिन आज उन्हें बहुत दुख है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो देखेंगे। तो अभी पोर्टमैन के करामात देखते हैं। साथियों, आप ये चित्र देख रहे हैं, दीज आर द पिक्चर्स विद दैट ब्रिटिशर पोर्टमैन, और आप देखेंगे तो लिटरली ग्रीक गॉडेस की पोजीशन में, गॉड्स और गॉडेस की पोजीशन में खड़ा करके वो चित्र लेता था। यू कैन सी द वेल बिल्ट अंडमान ट्राइब्समैन जिनके ये सारे चित्र वगैरह लेता रहता था और पोर्ट्रेट्स बनवाता रहता था। इसका काफी लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, लेकिन इनमें से ज्यादा ट्राइब्स समाप्त हो गई। उसके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंटेशन से ये सब मिला है। एंड ही हैज स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग द वेरियस बॉडी पार्ट्स ऑफ दीज ट्राइब्समैन एंड
ट्विटर पर एक हैंडल है रिस्पेक्टेबल लॉयर, जिसने चाऊ की मौत के बाद इसके ऊपर एक बहुत लंबी स्टोरी लिखी, जिसमें से हम स्नैपशॉट आप तक लाए हैं। पोर्टमैन के एडवेंचर्स को पर्दाफाश करता हुआ ट्विटर का ये हैंडल, इसलिए मैंने आपको रेफरेंस दिया। दोज ऑफ यू वांट यू कैन गो एंड चेक इट आउट। समझ में आ गया आपको? मिस्टर टी एन पंडित द एंथ्रोपोलॉजिस्ट वॉज द वन हु ट्राइड फ्रॉम 67 to 91। ही रिग्रेट्स मेकिंग फ्रेंड्स फॉर वॉट हैज हैपन टू देम नाउ। इन्हें बहुत दुख है कि मैंने जरावास की मेन स्ट्रीमिंग करवाई, क्योंकि आज वो लोग आइलैंड पे पाए जाते हैं सारी शहरों में जो अंडमान निकोबार पे है, पोर्ट ब्लेयर में वगैरह, एंड दे कैन बी सीन बेगिंग फॉर आर्म्स, यानी भीख मांगते दिखते हैं, या लोग उनका मजाक उड़ाते दिखते हैं। ऑल्दो सारे लोग ऐसा नहीं करते, बट द मैसेज हियर इज दैट दीज आर ग्रैंड पीपल, दे हैव बीन देयर फॉर 50-60,000 ईयर, दे शुड नॉट बी रिड्यूस्ड टू दिस स्टेटस। हम तो खुद के एंसेस्टर्स का अपमान कर रहे हैं इस तरह से, सच्चे अर्थों में अगर मैं बोलूँ एकदम बेसिक बायोलॉजिकल सेंस में। क्या आप एग्री करेंगे मेरी बात से? तो अब आप देख रहे हैं फ्रॉम 67 to 91 व्हेन मिस्टर पंडित ट्राई टू बिफ्रेंड देम, ये वो सेंटिनलीज लोगों के साथ एक या दो बार जब मिल पाए उनको गिफ्ट देते वक्त, उस वक्त का चित्र। द्वीप पे तो वो किसी को आने ही नहीं देते, तो पानी में ही होगा जो भी होगा, और उसके बाद कभी भी संपर्क नहीं हुआ। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी रेयर पिक्चर्स ऑफ दी सेंटिनलीज। इनके ऊपर जो वीडियो बाद में बने थे वो सारे भारत सरकार ने यूट्यूब से हटवा दिए हैं। आई एम सॉरी, मैंने ये चित्र भी आपको दिखाया नहीं, आप चित्र देख रहे हैं, ये है वो चित्र जिसमें वो गिफ्ट्स का एक्सचेंज कर रहे हैं सेंटिनलीज लोगों से। एक या दो ऐसे चित्र हैं, बाकी कुछ अवेलेबल भी नहीं है, और बाद में कभी संपर्क हो भी नहीं पाया। ट्रेजेडी ये है साथियों कि आज ये हैं जरावास, दे आर मिंगलिंग विद दी अर्बन्स, एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली अनटेनेबल सिचुएशन। तो ये कहीं से कहीं तक टेनेबल सिचुएशन है ही नहीं कि ये लोग इसके बीच में रह लें। अल्टीमेटली बीमारियां ने जकड़ लेगी, इनके लिए स्पेशल हॉस्पिटल फैसिलिटीज भी हैं, सब हैं, बट इट्स एक्सट्रीमली इनह्यूमन इफ दिस हैपेंस। सम पीपल में डिसएग्री, सम पीपल में एग्री विथ मी, अपना अपना पर्सपेक्टिव है, मॉडर्न ह्यूमन, और ये शायद एक कभी नहीं हो पाएंगे। फिर से आप चित्र में देख लेंगे। अब एक स्टेप आगे चलते हैं इसी में, क्वेश्चन फोर में ही हमारा। अ टीम ऑफ नेशनल ज्योग्राफिक इन 74, पूरी की पूरी टीम गई भारत सरकार है परमिशन लेकर और आर्म्ड पुलिस को लेकर, और इनको देखते ही तीरों की बारिश शुरू हो गई। सो नेशनल ज्योग्राफिक की टीम ने कुछ तोहफे छोड़े बीच पर और लौटने लगे, तब फिर से तीर छोड़े जो डायरेक्टर के सीधे पांव में आके लगा, और उसके बाद इन्होंने कभी कोई प्रयास नहीं किया। 1981 में सेंटिनलीज आइलैंड के पास में एक जहाज कोरल रीफ में टकरा के शिपरेक हो गया। दिस वॉज द प्रिम रोज, इट रैन अग्राउंड ऑन द कोरल रीफ। इन्हें देखते ही सेंटिनलीज अपनी छोटी छोटी बोट्स में, ये बोट्स बना लेते हैं अपनी अटेम्प्ट में, ये उस वक्त जो भी उनकी प्रिमिटिव बोट्स होती होंगी या तैर के आते होंगे, वॉट एवर वे दे वुड कम they actually started preparing to reach the ship, but they were unable to because the sea was very rough. तो इन लोगों ने air rescue बुलवा के ये वहां से भाग खड़े हुए, और you can imagine जब पहली बार इन sentinelies लोगों ने इतने बड़े जहाज पर चढ़ के सब कुछ देखा होगा, they were able to digest it. ऐसा नहीं कि पागल हो गए देख के, और उसमें से metal की चीजें चाकू वगैरह वो निकाल के ले गए, and they are using it till date. So that means they are a very clever people. It's not that isolation for 50-60,000 years has made them a dumb people. Not at all. In fact, I think they may actually be far smarter than all of us. So, that is about the ship Primrose. Ek kadam aage chalte hain. What are the Indian government policies for such tribes? Maza aa raha hai ki nahi session mein bhai? To Bharat Sarkar ki neetiyan aise kabilon ke liye kya hai? After many failed attempts through the 1990s, India now follows a hands-off, eyes-on policy towards the Sentinelese. समझ में आया साथियों आपको? तो आज भारत सरकार पूरी तरह से hands-off, eyes-on policy लेके चलती है, और सरकार की ये कोशिश होती है कि इन पे नजर रखें, लेकिन किसी भी तरह का हम इसमें इंटरफरेंस बिल्कुल भी नहीं करें। ये समझ में आया आपको? सो दिस इज द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इज दैट क्लियर? ओकेशनली बोट्स भेजी जाती हैं, लेकिन ज्यादा पास जाओगे तो एरोज आ जाएंगे। 2004 के बाद जब एक हेलीकॉप्टर से जाके कोशिश की गई देखने की कि भाई वहां क्या चल रहा है, तो पता चला कि उसके ऊपर तीर कमान शुरू हो गए। ना 4.8 किलोमीटर की लिमिट है जिसके अंदर कोई आ नहीं सकता। तो यह है वो ड्रामेटिक चित्र, विच इज एक्चुअली वेरी क्लियरली दिस इज एन एम्ब्लम ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सेंटिनलीज पीपल,
विच सेज वॉट दे एक्चुअली वॉन्ट टू डू। इस चित्र को देखें और इसको 5 सेकेंड जज्ब करें। So I gave you some time to think about it, and here is what the government of India says about not going close to them. लेकिन ये अपने आप में ही, जैसा मैंने कहा, एक अनटेनेबल सिचुएशन है और शायद इसको हमें करना ही नहीं चाहिए। तो आइए साथियों, सेशन को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। सो द गवर्नमेंट, द टेक्निकल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर दिस, इसको जरूर समझ लीजिएगा, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। द लॉ, The tribes of Andaman are protected under the Andaman and Nicobar Protection of Aboriginal Tribes Regulations 1956. ये याद रखिएगा। तो 98 से 2004 के बीच में जब जरावा स्टेट के प्रति रिस्पॉन्ड, और वो सब मित्रवत हो गए, सब मिलने लग गए, तब हॉस्पिटल्स के लिए स्पेशल वार्ड रखेगा क्योंकि इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैले। देर इज अनदर ऑर्डर, फॉरिनर्स रिस्ट्रिक्टेड एरियाज ऑर्डर 1963। इसमें फॉरेनर्स केवल 13 आइलैंड पर रैप लेकर जा सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, एंड मेक डे विजिट्स टू अनदर 11। तो 13 प्लस 11 24। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह तो पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री है, तो जो टूर ऑपरेटर्स और लोकल प्रेशर ग्रुप्स हैं, इन 2018 दे एक्चुअली फोर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फोर्स ही कहेंगे उसको, टू रिलैक्स अ लॉट ऑफ रेगुलेशन। और उसके ठीक बाद चाऊ वाला इंसिडेंट हो गया, हालांकि ये बिना परमिट के गया था, वो भी उतना ही सही है। तो ये दूसरा रूल है, फॉरेनर रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑर्डर 1963। रीसेंट रिलैक्सेशंस, तो ये जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट रैप रिस्ट्रिक्शंस थे, इन अगस्त 2018 भारत के गृह मंत्रालय ने 29 इनहैबिटेड आइलैंड्स के लिए 2022 तक ही हटा लिया, जिसका काफी ज्यादा विरोध हुआ था। हालांकि सेपरेट अप्रूवल्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर विजिटिंग रिजर्व, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ट्राइबल रिजर्व, बट दिस क्रिटिसिज्म वॉज कि ऐसा आपने किया ही क्यों, जिसके बाद जस्टिफिकेशन वगैरह दिए गए कि आपको प्रायर अप्रूवल तो लगेगा, लेकिन चाऊ शायद ज्यादा ही मोटिवेट होके इस आग में कूद पड़ा। तो ये तो थी सारी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन अब हम फिलॉसफी में कूद पड़ते हैं और सेशन को कंप्लीट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपने अभी तक पूरा जरावाज और सेंटिनलीज लोगों का बैकड्रॉप समझा, आउट ऑफ अफ्रीका, द कोस्टल माइग्रेशन थ्योरी, स्टेइंग अलोन, etc. 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 So I will now leave you with food for thought. My sixth and the last point. Should modern civilization try to mainstream them? क्या हमें उन्हें मुख्यधारा में लाने की कोशिश करनी भी चाहिए? The gap is so huge, it will be no use. ये बिल्कुल सत्य मान लीजिए। They will die from contracting diseases. वो तो मरी जाएंगे बीमारियों से, क्योंकि उनके पास वो है ही नहीं immunity. जो नहीं मरेंगे, वो आधुनिक समाज का हिस्सा अगर बन भी गए, उनकी पूरी की पूरी मौलिकता बहुत ही ब्रूटल तरीके से समाप्त होगी, जो हम खुद अपने एंसेस्टर्स की मौलिकता को समाप्त करने के लायक काम कर रहे होंगे। अगला पॉइंट, मॉडर्न मैन्स टोटल रिकॉर्डेड हिस्ट्री इज नॉट मोर देन 10,000 ईयर्स, व्हाइल दीज लिविंग लेजेंड्स आर देयर फॉर 60,000 ईयर्स। आई थिंक वी शुड बी रिस्पेक्टिंग देम फार मोर देन ट्राइंग टू चेंज देयर लाइफ। अब ये बात समझ लीजिए कि इस बात की संभावना जीरो नहीं है कि यू एंड मी द मॉडर्न मैन वी मे एंड अप डिस्ट्रॉइंग आवरसेल्व्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स ड्यू टू अ न्यूक्लियर वॉरफेयर और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और बोथ ऑफ देम टुगेदर, बट दीज ट्राइब्स में एंड अप आउटलास्टिंग एंड आउटलिविंग अस। अब आप सोचेंगे कि ग्लोबल न्यूक्लियर वॉरफेयर हुआ तो ये कैसे बचेंगे? बिल्कुल सही, हो सकता है ये भी ना बचें, हो सकता है बच भी जाएं। लेट अस होप वैसा कभी हो ही नहीं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन इटसेल्फ इज अंडर क्वेश्चन हियर। तो हमें आज तक जो बताया गया है, हमने आज तक जो पढ़ा है कि सभ्यता, धर्म, संस्कृति, सारी दुनिया में जो पढ़ाया जाता है, सब लोगों को पढ़ाया जाता है,
इनके पास कोई ऐसा धर्म नहीं है और ये 60,000 सालों से खुशी खुशी जी रहे हैं। इनके पास अपनी लिमिटेड संस्कृति और भाषा, इन्हें कोई तकलीफ नहीं है, तो हो सकता है ये तो अगले 1,00,000 साल और ऐसी जीते चले जाए। सो द फंडामेंटल इश्यूज दे रिमेन एंड देर आर नो क्वेश्चन टू इट, बिकॉज वंस यू आर कमिटेड टू अ फिलोसॉफी यू विल रिमेन कमिटेड, बट दीज गाइज हैव नो इंटरेस्ट इन इट। तो आप देख रहे हैं साथियों, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन इट सेल्फ इज अंडर क्वेश्चन। और इन 60,000 सालों में प्यारे बच्चों, 600 यानी हर 100 साल में 3 जनरेशन मान लूँ मैं, तो ऐसे 600 सदियाँ बीत गई। सोचिए 600 सदियाँ, हर सदी में इनकी 3 पीढ़ियाँ आई, तो अभी तक 1800 पीढ़ियाँ सेंटिनलीज की इस आइलैंड पर आकर जा चुकी हैं और इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं रहा है। मतलब तो आज चाऊ को इनसे आया, जिसकी कीमत उसने अपनी जान देकर अदा की। उम्मीद करता हूं आज के मेरे इस एनालिसिस से, मिस्ट्री ऑफ द सेंटिनलीज ट्राइब, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। जाते जाते आज आपने जो कुछ पढ़ा, इस पे आपके व्यूज बहुत वैल्यूबल हैं, हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक कीजिए सेशन को, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और मुझे बताइएगा कि अगला एक्सप्लेनर आप किस टॉपिक पर चाहेंगे। लंबा सेशन मैंने लिया, आराम से लिया, हर चीज को बारीकी से बताते हुए लिया। इसको मैं 5 मिनट में भी बना सकता था, बट आई थॉट वी विल डू अ गुड जॉब एट इट। साथियों जाते जाते आपको याद दिला दूं, इनकेस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, ये एक फ्री सर्विस है, इसमें आप जरूर एनरोल करें। Make sure that you check out this beautiful free aptitude learning portal Power of Apti. Dikhai de rahi link pe jaake enroll karein. And of course, the fantastic program Prabodhan awaits your presence. Hame bahut khushi hogi. To ye tha aaj ka hamara explainer, Mystery of the Sentinelese Tribe. Bahut jald agla explainer leke hum fir hazir honge. Mera personal YouTube channel, youtube.com/sandeepmanudhane. Zarur subscribe kijiyega. Namaste, Jai Hind.